प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति का वर्चुअल शुभारंभ कर स्टार्टअप कम्युनिटी को संबोधित किया। प्रधानमंत्री द्वारा स्टार्टअप पोर्टल की लॉन्चिंग भी की गई। इंदौर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, चुनिंदा स्टार्टअप्स की सफलता की कहानियों का भी संग्रह जारी किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उदयपुर के चिंतन शिविर में अपने उद्घाटन भाषण में बड़े बदलावों के संकेत दिए। सोनिया गांधी ने साफ कहा कि देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है और ऐसे समय में लोगों को कांग्रेस से बड़ी उम्मीद है, लेकिन पिछली नाकामयाबी से आगे बढ़ने के लिए तत्काल कुछ ढांचागत बदलाव करने और काम करने के तरीकों में अंतर लाने की जरूरत है। झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कथित विवादास्पद टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। दरअसल झारखंड के चाईबासा में 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कथित विवादास्पद टिप्पणी के लिए निचली अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया था। राहुल गांधी ने निचली अदालत के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। मुख्यमंत्री बाबतपुर एयरपोर्ट से जंगमबाड़ी मठ पहुंचे। यहां आयोजित श्री जगतगुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी के पंचाधिक शताब्दी जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद सीएम योगी दोपहर में कमिश्नरी सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा की। दिल्ली में भाजपा शासित नगर निगम द्वारा 4 मई से चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान को एक बड़ा सदन बताते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। इस पत्र में सिसोदिया ने शाह से अपील की है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें और बुलडोजर की राजनीति को रोकें। सुप्रीम कोर्ट ने नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने के आदेश में संशोधन के लिए शिवराज सरकार की मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर की याचिका स्वीकार कर ली है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में 17 मई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को राज्य निर्वाचन आयोग को 15 दिनों में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने को कहा था। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश के मदरसों में भी राष्ट्रगान अनिवार्य किया जा सकता है। इसके संकेत शुक्रवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिए। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मिश्रा ने एक सवाल के जवाब में कहा, एक विचारणीय बिंदु है, इस मुद्दे पर विचार किया जा सकता है। शिवसेना संजय राउत ने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ करने या लाउडस्पीकर बंद करने से कश्मीरी पंडितों की समस्याएं हल नहीं होंगी और केंद्र सरकार को केंद्र शासित प्रदेश में अस्थिरता के माहौल को समाप्त करने के लिए कड़े फैसले लेने चाहिए। राउत की टिप्पणी जम्मू कश्मीर के बड़गांव जिले में आतंकियों द्वारा एक कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के एक दिन बाद आई है। यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों नाटो द्वारा रूस पर लगाई गई ऐतिहासिक और जबरदस्त पाबंदी को लेकर राष्ट्रपति पुतिन ने बड़ा दावा किया है। पुतिन ने कहा है कि इन पाबंदियों का असर पश्चिमी देशों पर ही ज्यादा हो रहा है। भीषण आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका के नए पीएम बने रानिल विक्रमसिंघे ने वादा किया कि वो देश की संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा, मैंने अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने की चुनौती स्वीकार की है और अब मुझे ही पूरा करना होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।